अच्छा जी, अब हम ज़रा ये देख लेते हैं चैप्टर नंबर 14 में क्या डिस्कस हो रहा है। लिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, लिस्ट तो हम HTML में पढ़ चुके हैं, लेकिन लिस्ट का जो एलिमेंट है HTML का, उस पर कौन कौन सी CSS अप्लाई हो सकती है वो बात हो, ठीक है। अच्छा, लिस्ट जो बनेगा हमारे पास, वैसे तो लिस्ट भी बॉक्स होगा, ठीक है ना, लेकिन बॉक्स के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें लिस्ट में होती हैं जो आम एलिमेंट के ऊपर नहीं होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम लिस्ट बनाते हैं, देखो नीचे ये एक लिस्ट है, एक्चुअली ये जो बनी हुई एक लिस्ट है, तो इसमें बॉड वो है, बुलेट स्टाइल है। अब ये बुलेट स्टाइल ना किसी और बॉक्स में नहीं होगा, ये सिर्फ इसी में ही होगा, ठीक है। तो लिस्ट से मुतालिक स्पेसिफिक स्टाइलिंग जो है, एक तो बॉक्स वाली सारी चीज़ें लिस्ट के ऊपर अप्लाई होंगी, टेबल भी बॉक्स है और फॉर्म भी बॉक्स है, सारे ये तीनों बॉक्सेज ही हैं असल में। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो सिर्फ टेबल पे होगी, मिसाल के तौर पे सेल की स्पेसिंग, के दो सेल आपस में कितनी दूर दूर हो, सेल स्पेसिंग होगी, ठीक है। अब सेल जो है वो किसी डिव में तो नहीं होता, H1 में तो नहीं होता सेल, सेल होता है टेबल के अंदर ही है। तो सेल से मुतालिक जो CSS होगी ना यहाँ पे, वो बात होगी, बाकी टेबल के ऊपर बॉक्स वाली सारी चीज़ें अप्लाई होंगी, ठीक है। और इसी तरह फॉर्म में भी है, फॉर्म में क्या है जी, वो इनपुट बॉक्स है। अब इनपुट बॉक्स के ऊपर जो जो CSS अप्लाई होती है ना, वो यहाँ पे सारी वो डिस्कस करेंगे ये चीज़ें। सर ये तो HTML में भी था ना ऐसा? HTML में हमने सिर्फ एलिमेंट्स पढ़े थे, अब टेबल को ऐसा बनाना सीखा था हमने HTML में, ऐसा बना सकते हो टेबल को, तो ये हमने यहाँ पे सीखना है। अच्छा, बुलेट पॉइंट का स्टाइल सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, एक इन्होंने ऑर्डर्ड लिस्ट एक बनाई हुई है OL, और वो यहाँ पे देखो नीचे ना डिस्प्ले हो रही है। अच्छा, इसके ऊपर OL के ऊपर इसने क्या लगाया है, लिस्ट स्टाइल टाइप इसका जो है ना लोअर रोमन लगाया है। बाई डिफ़ॉल्ट अगर हम ऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ आता है, बुलेट्स में क्या बना हुआ आता है, 1 2 3 आता है, 1 2 3 आता है, सही है। और इसमें भी क्या लिखा हुआ आ रहा है, इसमें 2 3 आ रहा है, रोमन में आ रहा है। तो बाई डिफ़ॉल्ट इसमें डेसिमल होता है, ठीक है। डेसिमल लीडिंग ज़ीरो हो सकता है, लोअर अल्फा हो सकता है, अपर अल्फा हो सकता है, लोअर रोमन हो सकता है, अपर रोमन हो सकता है, ये सारे बिल्ट इन यहाँ पे लिस्ट के स्टाइल्स मौजूद हैं। अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट होगा तो उसके अंदर क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट उसमें डिस्क बना हुआ आ रहा होता है, गोल गोल पॉइंट आ रहे होते हैं, ठीक है। नन कर सकता हूँ उसको मैं, कि बिल्कुल ख़त्म कर दूँ, ठीक है। सर्कल कर सकता हूँ उसको, स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है। सर वो तो रेडियो बटन नहीं है, ये सर्कल है, रेडियो बटन भी ऊपर वाली लिस्ट में वो दिखाया था वो नहीं। अगर ये बना हुआ आएगा ना लिस्ट में, तो ये दिखेगा रेडियो बटन जैसा ही, रेडियो बटन ऐसा ही दिखता है ना कि गोल गोल होता है और अंदर से वो खाली होता है, लेकिन ये सेलेक्टेबल नहीं होगा, इस पर क्लिक करेंगे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और इसका जो डिज़ाइन है ना, विजुअल डिज़ाइन है, अगर तुम इसको रेडियो बटन के साइड बाई साइड देखोगे ना, तो ये रेडियो बटन से काफ़ी मुख्तलिफ है। देखने में तो ये है वैसा ही, लेकिन असल में साइड बाई साइड देखने में काफ़ी मुख्तलिफ है। तो यहाँ पे जब बना हुआ नज़र आ रहा होगा ना, तो फील होता है बाकायदा कि ये रेडियो बटन नहीं है। अच्छा सर, ब्लूटूथ लिस्ट पे वो ट्रायंगल शेप टाइप बना हुआ है जो हमने देखा, हाँ उस तरह का, तो हाँ उस तरह का वो इमेज भी लगा सकते हैं। ये तीन तो स्टाइल मौजूद है, उसके अलावा इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये इमेजेस फॉर बुलेट्स, अगर आपने इमेज लगानी हो, ठीक है, इसको किस तरह से प्रॉपर्टी है, लिस्ट स्टाइल इमेज नाम है, तो लिस्ट स्टाइल इमेज करके ना यहाँ देखें आप, और एक इमेज पास कर दिए, तो ये स्टार बना हुआ इमेज था वो लग गया इसके ऊपर। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि इमेज का साइज़ उतना ही बड़ा हो जितना बड़ा आपने दिखाना है, ठीक है। अगर तो इमेज का साइज़ बड़ा है ना, तो वो फिर ऑटोमेटिकली बड़ा दिखेगा, इसको अब छोटा करने का ऑप्शन नहीं है। ये तो LI को मार्जिन दिया हुआ है ना, यानी लिस्ट आइटम को मार्जिन दिया हुआ है, ठीक है। जो नहीं, एक दिया हुआ है 10, बाकी सारे 0 हैं, तो ये क्लॉक वाइज चलता है ना, तो सबसे पहला टॉप होता है, तो मार्जिन टॉप इसको दिया हुआ है असल में, जितने भी लिस्ट, जैसे ये पहला लिस्ट आइटम, इसको मार्जिन टॉप दिया हुआ है, ऊपर इसके फासला है, सही है, फिर नीचे कोई फासला नहीं है, नीचे वाला जो है ना ये, इसने अपने ऊपर से फासला लिया हुआ है, ठीक है। तो सबको मार्जिन टॉप मिला हुआ है यहाँ पर, तो ये दूर दूर किया हुआ है, ना करते तो थोड़ा ज़्यादा चपका हुआ दिखता है, ये स्टार्स भी आपस में चपके हुए दिखते, थोड़ा दूर कर दिया स्टार्स को, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसने PNG इमेज का इस्तेमाल किया, इसमें SVG इमेज का भी इस्तेमाल हो सकता है, इसमें JPG इमेज का भी इस्तेमाल हो सकता है। पोजीशनिंग द मार्कर,
लिस्ट स्टाइल पोजीशन। अब देखो पोजीशन का क्या चक्कर है कि ये दो सिचुएशंस हैं आपके पास, एक में जो है ना ये बॉक्स जो है मेरा, जाहिर है यू एल या एल आई जो है लिस्ट जो है वो एक बॉक्स होता है, एक बड़ा बॉक्स होता है, ठीक है, और उस बॉक्स के अंदर एक एक आइटम होते हैं, एल आई तीन एल आई होते हैं, सही है। तो क्या मेरा जो बुलेट है वो उस बॉक्स से बाहर हो, ठीक है, उस बॉक्स से बिल्कुल अलग हो वो बाहर हो, या तो उस बॉक्स के अंदर हो, तो ये दो सिचुएशन हो सकती है। तो इसके लिए मेरे पास ये दो प्रॉपर्टी है, बाय डिफ़ॉल्ट वो बाहर होता है, लेकिन उसको मैं अंदर करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, क्या करके, लिस्ट स्टाइल पोजीशन करके आउटसाइड और इनसाइड, ये दो इसके अंदर आपके पास मौजूद है। अच्छा, फिर उसके बाद है लिस्ट शॉर्ट हैंड। लिस्ट शॉर्ट हैंड में क्या क्या बता दिया उन्होंने, इनसाइड और सर्कल के स्टाइल और जो अप्रोच है वो दोनों बता दी कि भाई बाहर रखना है या अंदर रखना है और उसका टाइप क्या होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट हैंड बहुत सारी चीज़ों में हमने देखा है, तो शॉर्ट हैंड मेरे ख्याल कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। इसमें इन्होंने इन साइड रखा हुआ है, अंदर की तरफ रखा हुआ है और सर्कल रखा हुआ है। अच्छा देखो, तुम कह रहे थे ना रेडियो बटन, अब ये रेडियो बटन से देखो कितना मुख्तलिफ है, रेडियो बटन तो नहीं लग रहा देखने में ये, ठीक है लेकिन सर्कल ये, और ये बुलेट पॉइंट ही फील करा रहा है। अच्छा, अब टेबल में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, वो एक ही दफ़ा यहाँ पे लाइन से पूरी इसने बता दी है। टेबल की विर्थ हो सकती है, जो कि पूरा बड़ा स्क्वायर है ना टेबल का, यानी मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे मुझे रिज़ल्ट दिख रहा हो, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरी की पूरी टेबल की विर्थ है, ठीक है, जो कि बॉक्स वाला हिसाब किताब है, यानी बॉक्स जितने भी हैं सब में विर्थ हाइट लगती है। अच्छा, इसी तरह पैडिंग है, ठीक है, पैडिंग का क्या चक्कर है, टू सेट द स्पेस बिटवीन बॉर्डर ऑफ द ईच टेबल सेल। अब पैडिंग अगर हमें नॉर्मल किसी बॉक्स पे लगाता था तो उसमें क्या होता था, उसमें ये होता था कि वो अपने दीवारों से दूर हो जाता था, लेकिन अब इसमें पैडिंग लगाने से क्या होगा, ये सेल आपस में दूर दूर हो जाएंगे, जो सेल है ना टेबल के वो आपस में दूर दूर हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, टू कन्वर्ट द कॉन्टेंट टेबल टू द हेडर टू अपर केस। अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है वो पैराग्राफ पे भी लग सकता है, लेकिन वो टेबल पे भी लग सकता है, कि किसी भी टेबल डेटा पे या किसी भी रो पे मैंने लगा दिया कि जी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस या लोअर केस, या उसके जो दो तीन ऑप्शंस होते हैं तो वो लोअर केस में उसको करके दिखा देगा या अपर केस में करके दिखा देगा। अब मैंने जैसे ऑथर लिखा है ना, तो इसका ए कैपिटल है, लेकिन अगर मैं इस पर स्टाइल लगा दूंगा कि जी लोअर केस हाँ या अपर केस, तो अपर केस लगाने से ये सारे को अपर केस करके डिस्प्ले करेगा, लोअर केस लगा दूंगा तो सबको लोअर केस करके डिस्प्ले करेगा, ठीक है। इसमें हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि ये हम कब करेंगे, ये हम जब करेंगे जब हमारा डेटाबेस से वैल्यू आ रही होती है ना, तो हमें नहीं पता होता कि वो अपर केस में या लोअर केस में, तो हमारा डिज़ाइन की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जी अपर केस करके ही दिखाना है, भले डेटाबेस में जो भी हो, तो हम उस पर ये स्टाइल लगा देते हैं। अच्छा जी, हमारे पास है लेटर स्पेसिंग, फॉन्ट साइज, ये हम दोनों पैराग्राफ में देख चुके हैं, सेम यही वाला यहाँ सब हिसाब किताब यहाँ है। बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम, ठीक है, के जी जो आपका बॉर्डर होता है बिलो द टेबल हेडर, टेबल हेडर जो है ना वो ये, ठीक है, ये अगर मैं नीचे रिजल्ट में आपको दिखाऊं तो टेबल हेड जो है ना ये वाला पार्ट है, ये ऊपर है, सही है। तो कह रहे हैं कि अगर आप लगाएंगे ना इसके अंदर बॉर्डर टॉप या बॉर्डर बॉटम, तो असल में इन्होंने यहाँ पे ना CSS नीचे लिखी हुई है पूरी, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है बॉर्डर टॉप बॉर्डर बॉटम तो किसी भी बॉक्स पे लग जाता है, लेकिन यहाँ ना इस स्पेसिफिक केस में इन्होंने क्या किया हुआ है कि बॉर्डर टॉप और बॉटम, बॉर्डर बॉटम ना इस किस पे लगाया हुआ है, TH पे लगाया हुआ है, तो TH का जो टैग है ना ये उस पे लगा है, बॉर्डर टॉप और बॉर्डर बॉटम, ठीक है, और यही वजह है कि ये मुझे इस जगह पे दिख रहा है, ठीक है, TH का जो ये टैग है ना मेरा, इसके ऊपर बॉर्डर टॉप और बॉर्डर बॉटम लिखा है, ठीक है। तो ये लाइन से मतलब साइड बाय साइड, पहले ऑथर है, फिर उसके पड़ोस में टाइटल है, फिर उसके पड़ोस में जो रिजर्व प्राइस है, उसके पड़ोस में बिड है, तो वो क्योंकि बिल्कुल सीधा है और सबके टॉप के ऊपर बॉर्डर और बॉटम पे, तो ऐसा लग रहा है एक लाइन है वो, अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे ना ऐसा लग रहा है एक लाइन है, हालांकि ये लाइन जहाँ बीच में ब्रेक भी है, ठीक है, जहाँ तक वो है ना ऑथर वहीं तक ही दिख रहा है मुझे, फिर ब्रेक है, फिर उसके बाद कंटिन्यू है। अगर मुझे कंटिन्यूस दिखाना होता तो फिर मैं क्या करता, फिर मैं ये करता कि इसका जो कंटिन्यू टैब है ना इस पर लगा देता TR पे, लेकिन TR पे लगाता तो वो सब पे लग जाता, नीचे भी TR है, उसके नीचे और TR है, तो मैं क्या करता फिर इस TR पे कोई क्लास देता, मैं देता कि हेडिंग रो, इस तरह करके कोई बात लिखता,
और उसके ऊपर लगाता तो वो फिर कंटीन्यूअस बन जाती। ठीक है जी। अच्छा तो ये बॉर्डर बॉर्ड टैक्स अलाइन हमने देख लिया कि जी जाहिर है सेल का जो साइज़ फिक्स होता है, अब उसमें टेक्स्ट को क्या लेफ्ट पे अलाइन करना है, राइट पे अलाइन करना है। ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे ना इस टेबल में कुछ जो टेक्स्ट है, जैसे कि ये वाला जो ऑथर वाला टेक्स्ट है, ये किधर अलाइन हुआ हुआ है, लेफ्ट पे कि राइट पे? ये सेंटर नहीं है, ये लेफ्ट पे अलाइन हुआ हुआ है। ये सेल देखो यहाँ से शुरू है और ये सेल यहाँ तक है, और नीचे वाला सेल भी यहाँ तक है, यहाँ से शुरू है और यहाँ तक है। ये सारे सेल, ये यहाँ से शुरू है सेल और ये यहाँ तक है। तो टेक्स्ट इसमें किधर हुआ हुआ है? लेफ्ट पे हुआ है। ठीक है। इसको सेंटर भी किया जा सकता था, इसको राइट भी किया जा सकता था। अच्छा, इसी तरीके से जो प्राइस है, ये किधर अलाइन हुआ हुआ है? ये राइट पे अलाइन हुआ हुआ है। ये सेल यहाँ से शुरू है और ये सेल यहाँ तक है। ठीक है। तो ये लेफ्ट पे अलाइन होता ना तो ये इधर से शुरू होता था, हालांकि ये राइट पे अलाइन हुआ हुआ है, इसलिए क्योंकि नंबरिंग यहाँ से शुरू होती है, राइट से। हाँ, नंबर को जो है ना लेफ्ट राइट पे अलाइन करने से होता ही है कि जो इसका ये कॉमा होता है ना, ये जो कॉमा होता है और जो पॉइंट के बाद होता है डेसिमल, ये ज़रा अलाइन हो जाता है ना, नाइसली अलाइन हो जाता है। तो ऐसा देखा गया है कि नंबर्स अगर राइट पे अलाइन हो तो वो ज़्यादा रीडेबल होते हैं। ठीक है। कोई बड़ी अमाउंट होती है तो फ़ौरन दिख जाती है। मिसाल के तौर पर अगर जैसे ये 2,000, 5,000, 8,000 ये लिखा हुआ है, ठीक है, अगर इसमें 8,000 की जगह कोई 8 लाख होगा ना अमाउंट, तो वो यहाँ से यूँ बाहर निकला होगा, ऐसे अपनी चोंच बाहर निकाल के दिखा रहा होगा कि मैं बड़ी अमाउंट हूँ। तो ज़रा रीडेबल ज़्यादा हो जाते हैं। यही वजह है कि जितने भी एक्सेल की शीट्स बनती है या जितने भी जो इनवाइसेस वगैरह बनती हैं, उसमें क्या करते हैं, हमेशा नंबर को, ख़ासतौर पर अमाउंट वाले नंबर को हम राइट पर अलाइन करते हैं और टेक्स्ट को हम जो लेफ़्ट पर अलाइन करते हैं। ठीक है। अगर मैं आपको कोई गूगल पर जाके लिखूँगा मैं इनवॉइस, तो आप देखेंगे कि जो इनवाइस के अंदर इसको इसी तरह से किया हुआ होता है मोस्टली, कि टेक्स्ट को हो इसमें तो वो ही नहीं दिख रहा ना बॉर्डर, इसमें तो सेंटर किया हुआ है इन्होंने, बिल्कुल इसमें सही किया हुआ है। ठीक है। टेक्स्ट को लेफ्ट पे किया हुआ है और इसको राइट पे किया हुआ है। तो देखो छोटी अमाउंट और बड़ी अमाउंट में बाकायदा फ़र्क सामने वाजे नज़र आ रहा है। ठीक है। इसमें भी इसी तरह किया हुआ है कि जो है ना इसको राइट पे अलाइन किया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे भी इसमें राइट में अलाइन किया हुआ है। अच्छा, कुछ डिज़ाइनर लेवल के टेम्पलेट्स हैं ना, उसमें सेंटर भी किया हुआ है उन्होंने। ठीक है। लेकिन सेंटर, अब ये तो बिल्कुल सीधा दिख रहा है, पता नहीं लग रहा है इसमें सेंटर है या क्या है, लेकिन अल्टीमेटली जब इसमें कोई बड़ा नंबर आएगा ना तो ये अलाइन राइट ही होगा। अच्छा जी, और हम आगे आ जाते हैं। तो ये इन्होंने ना स्टाइलिंग सारी इसके ऊपर लगा दी है कि जी क्या क्या हो सकता है। अच्छा, सेल पैडिंग दे सकते हैं हम, यानी एक तो ये था ना कि टेबल पे पैडिंग लगाऊंगा तो सेल दूर दूर हो जाएंगे, लेकिन मैं सेल में भी पैडिंग दे सकता हूँ, क्योंकि सेल क्या होता है, अपने कंटेंट पे टाइट होता है। सेल के अंदर जो भी डेटा होता है ना, वो अपने दीवार से, सेल की दीवारों से चिपका हुआ होता है, तो मैं सेल पे भी पैडिंग लगा सकता हूँ। ठीक है। मैं सेल पे पैडिंग लगाऊंगा तो क्या होगा, सेल के अंदर मौजूद जो टेक्स्ट है वो अपनी दीवारों से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएगा और वो सेल ज़रा सा बड़ा हो जाएगा उसके हिसाब से ना, कॉन्टेंट के हिसाब से। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया, मैं अल्टरनेट कलर्स भी लगाया। मैं अल्टरनेट कलर कैसे लगाए इन्होंने, जो देखो ये टेबल की हेडिंग है, उसके बाद पहली रो, उसके बाद जो दूसरी रो है ना उसके ऊपर क्या लगाया हुआ है, क्लास लगाई हुई है इवन, फिर तीसरी पे कुछ नहीं लगाया हुआ, फिर चौथी पे क्लास लगाई हुई है इवन। तो जो जिस पे इवन है ना, नीचे इवन को कलर चेंज किया हुआ है इवन का। लिहाजा क्या होता है, जब ये डिस्प्ले होता है ना, तो जो पहली छोड़ के जो दूसरी रो है देखो हल्की सी ग्रे है बैकग्राउंड, फिर तीसरा छोड़ के चौथा जो है उस पर हल्का सा ग्रे है बैकग्राउंड, तो इस तरह करके किया हुआ है। अच्छा, अभी इसका ना सेंस नहीं बन रहा होगा अभी कि यार अगर इसको अल्टरनेट कलर करना ही था तो ये मतलब हाथ से ही जब लिख के करना था तो फ़ायदा क्या है ना, लेकिन थोड़े ही दिनों में जब हम इंशाल्लाह API कॉल करेंगे ना, तो API कॉल में आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये डेटा असल में क्या होता है, डेटाबेस से आ रहा होता है या किसी API से आ रहा होता है। तो जब हम उसको रेंडर करवाते हैं ना स्क्रीन के ऊपर, तो ये हमें पता होता है कि हमें क्या करना है।
तो हम क्या करते हैं, लूप करके एक स्टेटमेंट होती है, लूप स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, हर इवन नंबर पे एक क्लास लगा देते हैं, तो वो रेंडर होने के बाद टेबल ज़रा अल्टरनेट कलर वाली दिखती है। अभी तो ये हाथ से लिखा हुआ है ना टेबल, मोस्टली हम कभी भी टेबल इस तरह हाथ से नहीं लिख रहे होते हैं, ठीक है। रियल केसेस में जब डेटाबेस से वैल्यू आ रही होती है ना, तो हम पूरी की पूरी टेबल को इस तरह हाथ से नहीं लिखते हैं। डेटाबेस से वैल्यू आती है, उसमें हम लूप का स्टेटमेंट लगाते हैं, और लूप के ज़रिए एक एक आइटम के अगेंस्ट हम स्क्रीन पर रेंडर करवा रहे होते हैं, लॉजिकली प्रोग्रामेटिकली उसको हम लॉजिक वो करा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे होंगे जो बिल्कुल छोटे से केस होंगे, मिसाल के तौर पे जैसे हेयर ड्रेसर की वेबसाइट बना रहा हूँ मैं, तो उसमें मैंने उसका प्राइसिंग का चार्ट बनाना है कि जी वो दाढ़ी मूछ का इतना और बाल का इतना, तो उसमें चार पाँच ज़्यादा आइटम नहीं होंगे उसमें, तो वो टेबल मोस्ट प्रॉब्ली शायद मेरी स्टेटिक हो, वो टेबल मेरी क्या हो सकता है स्टेटिक हो, तो उसमें मैं ये हाथ से भी लिख सकता हूँ इवन जो है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास हमेशा डेटाबेस से ही आए, हो सकता है कि कभी मेरे पास स्टेटिक टेबल होगी, हर दफ़ा वो वैसी ही दिखानी है, लेकिन उसमें भी मुझे अल्टरनेट कलरिंग चाहिए, तो मैं हाथ से भी लगा सकता हूँ, कोई मुजायका नहीं है इसमें। होगा किस होवर कहाँ लिखा हुआ है इसमें, तो कहीं नहीं लिखा हुआ। अच्छा, होवर तो ये वो है ना, सूडो क्लास है ना ये तो, ठीक है। जब आप किसी टेबल पे हाथ लेके जाते हो तो क्या हो, अब यहाँ पे देखो इन्होंने होवर का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया होगा, ये रहा टी आर के ऊपर अगर आप होवर करोगे ना, तो बैकग्राउंड कलर चेंज होता है, यानी आप कर्सर, जैसे मैं यहाँ कर्सर लेके जाता हूँ या यहाँ लेके जाता हूँ, तो इस पूरी रो के ऊपर जो है ना बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आपने करके देखना है, करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या इसमें और हुआ है, ठीक है जी। अलाइनिंग नंबर, जो नंबर्स वाला जो आइटम है ना, आप देखें जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, उसके ऊपर क्या लिखाया हुआ है इसने, क्लास मनी, क्लास मनी लगाया हुआ है जितने भी नंबर वाले आइटम थे, और मनी को यहाँ पे आके क्या किया हुआ है इन्होंने, कहाँ गया मनी, ये रहा डॉट मनी, टेक्स्ट लाइन राइट कर दिया, बाई डिफॉल्ट लेफ्ट होता है, सिर्फ मनी के ऊपर उन्होंने राइट खुद से अप्लाई कर दिया है, ठीक है। बॉर्डर ऑन एम्प्टी सेल्स, अब ये भी हमारे हाथ में कंट्रोल होता है कि जो एम्प्टी सेल है उस पर क्या हमें बॉर्डर दिखाना है या नहीं दिखाना, इसकी ये दो अप्रोच है, एक में दिखा रहा है एक में नहीं दिखा रहा, ठीक है। एम्प्टी सेल शो, एम्प्टी सेल हाइड, दैट्स बहुत ही सिंपल सा काम है ये, ठीक है। गैप्स बिटवीन सेल, बॉर्डर स्पेसिंग हमारे पास मौजूद है और बॉर्डर कोलैप्स मौजूद है, तो ये दोनों के ज़रिए मैं क्या कर सकता हूँ कि या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसमें बॉर्डर स्पेसिंग को ज़ीरो करूँगा ना, तो इमेजिन करो कि ये वाला जो बॉर्डर है ये 2 पिक्सल का है, और ये जो बॉर्डर है ये भी 2 पिक्सल का है, तो ये दोनों मिल के 4 पिक्सल हो जाएंगे ना, तो अगर मैं बॉर्डर स्पेसिंग को ज़ीरो करूँगा तो ये चपक तो जाएंगे लेकिन चौड़े रहेंगे, ये मतलब यहाँ पे मुझे 2-2 पिक्सल का दिख रहा होगा बॉर्डर, यहाँ पे भी 2 पिक्सल, इस साइड मुझे 4 पिक्सल दिख रहा होगा, तो अगर मैं बॉर्डर कोलैप्स लगा दूंगा ना, तो क्या होगा कि इसका राइट और इसका लेफ्ट आपस में मर्ज हो जाएंगे, सही है। तो जी ये मेरे पास बॉर्डर स्पेसिंग हो गया और बॉर्डर कोलैप्स हो गया, ठीक है। बॉर्डर स्पेसिंग में क्या है जी, वो 4 वैल्यू वाला हिसाब किताब है कि पहला जो है वो टॉप है और दूसरा जो है वो राइट है और तीसरा बॉटम है, तो चारों को मैं अलग अलग दे सकता हूँ, इन्होंने अभी दिया है 2, तो एक को कंसिडर कर रहा है वो टॉप बॉटम और दूसरे को कंसिडर कर रहा है वो राइट लेफ्ट, ठीक है। तो आप देखिए टॉप बॉटम और राइट लेफ्ट अलग अलग हुआ है यहाँ पे। सर अजीब सा सवाल ही लगेगा आपको, अगर माइनस में करें तो फिर मड़े नहीं, माइनस में होता ही देखो माइनस में करेंगे ना होगा तो कोलैप्स, समझना और से इस चीज़ को, तुम ये कह रहे हो कि बॉर्डर स्पेसिंग जो है उसको ज़ीरो करते हैं तो वो चपक जाएगा, अब मैं माइनस देना शुरू करूँगा तो ये एक दूसरे पे चढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं कितने परसेंट कितने पिक्सल उसको एक दूसरे पे चढ़ाऊँगा तो वो दोनों मर्ज हो जाएंगे। सर वो तो हमें अभी तो मैंने हाँ अच्छा अभी मैंने एज्यूम कर लिया था कि ये 2 पिक्सल है और ये 2 पिक्सल है, तो इसका मतलब है कि मैं माइनस 2 पिक्सल करूँगा तो ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा एक दूसरे पर, लेकिन अगर मैंने किसी भी पॉइंट पर जाके इसका बॉर्डर का साइज़ चेंज किया तो वो फिर हिल जाएगा वो अपनी जगह से, ठीक है। ऑन अदर एंड अगर मैं कोलैप्स लगाता हूँ ना इसके ऊपर, तो बॉर्डर का साइज़ मैं जब भी चेंज करूँगा वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ठीक है। तो इन्होंने इसलिए ये बना के अलग से दे दिया है, ठीक है। जो तुम बता रहे हो वैसे भी जाएगा ये, लेकिन ज़रा ये एक बेहतर तरीका है। अच्छा, स्टाइलिंग ऑन फॉर्म्स, अब ज़रा इस पैराग्राफ को पढ़ें आप लोग यहाँ से, और ज़रा मुझे बताएं कि ये क्या समझ आ रहा है इस पैराग्राफ को पढ़ के, और ये जो इसने 4 फोटो दिखाई हुई है इसका क्या मतलब है।
ब्राउज़र में दिख रहा है पता है कौन से ब्राउज़र में डिफरेंट ब्राउज़र फॉर्म्स उतार रहे हैं वो कैसे फॉर्म सबमिट का बटन अलग अलग ऑर्डर अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइसेस होती हैं तो किसी को कोई फॉर्म पसंद आता है सर मैम वो कह रहा है कि हर ब्राउज़र फॉर्म को अपने तरीके से दिखाता है तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए कि हमारे तरीके से ही दिखाए तो हम उसको CSS यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है आपने पहचाना। अच्छा अगर हम जो इनपुट बॉक्स बना देते हैं ना अगर हम इनपुट बॉक्स अगर हम बना देते हैं और उस पर कोई स्टाइलिंग हम नहीं लगाते हैं अगर तो वो सफारी में मुझे ऐसा दिखेगा मैक में और फायरफॉक्स में मुझे वो ऐसा दिखेगा मैक के ऊपर ठीक है। अच्छा फिर पीसी के ऊपर यानी कि विंडोज़ में क्रोम पे मुझे ज़रा डिफरेंट दिख रहा है आपको ठीक है। मैक पे एक डिफरेंट दिख रहा था और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं सिलेक्शन बॉक्स लगाता हूँ जिसको ड्रॉप डाउन भी कहते हैं तो वो मुझे मैक में ऐसा दिख रहा है हालाँकि वो मुझे विंडोज़ में ज़रा इस तरह का दिख रहा है ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है ये वेरी करता है। अगर हम कोई स्टाइलिंग नहीं लगाते हैं तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो अपनी डिज़ाइन गाइडलाइंस हैं अपना जो डिज़ाइन स्टाइल है उसका उसके ऊपर वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाता है मुझे नज़र आ जाता है ठीक है। इसी तरह बटन भी जो है वो बिल्कुल गोल मटोल हैं और विंडोज़ में हमारे पास बाई डिफ़ॉल्ट चौकोर बटन होता है लेकिन इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमें दिखाना है तमाम ब्राउज़र पर एक जैसा या हमारी अपनी कोई स्टाइल रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसके मुताबिक उसको हम कर सकते हैं ठीक है। अच्छा स्टाइलिंग टेक्स्ट इनपुट्स टेक्स्ट इनपुट जो हम लेते हैं जिसमें नाम लिखने के लिए जो बनाते हैं या ईमेल लिखने के लिए जो बनाते हैं हम टेक्स्ट इनपुट उसके ऊपर कौन कौन सी स्टाइलिंग अप्लाई हो सकती है फॉन्ट का साइज़ कि जी जो लिखेगा बंदा उसमें फॉन्ट का साइज़ क्या आ रहा होगा ठीक है कलर क्या आ रहा होगा लिखने में बैकग्राउंड कलर क्या आ रहा होगा ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ उस पर लग सकती हैं। अच्छा ये तमाम प्रॉपर्टीज़ हमारे पास बॉक्स वाले हमने चैप्टर में ऑलरेडी कवर की भी है ठीक है कि जी हर बॉक्स का एक बैकग्राउंड कलर होगा एक फोरग्राउंड कलर होगा हर बॉक्स में बॉर्डर होगा हर बॉक्स में बॉर्डर रेडियस होगा ठीक है। तो ये चीज़ें पहले से कवर्ड हैं बस इन्होंने यहाँ पे बता दिए तो ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टी लगने के बाद जो इनपुट बॉक्स है वो कुछ ऐसा हो जाएगा ठीक है। इस पे इन्होंने क्या क्या लगाया हुआ है बॉर्डर रेडियस लगाया हुआ है बॉर्डर लगाया हुआ है बैकग्राउंड कलर हल्का सा ग्रे किया हुआ है तो ये सारा कुछ करने के बाद क्या हो गया कि जो है ना ये कुछ इस तरह का दिखने लग गया। इसमें पैडिंग भी लगी हुई है थोड़ी सी इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना इसका हाइट भी बड़ा हुआ है फॉन्ट का साइज़ भी बड़ा हुआ है जब ही ज़रा टेक्स्ट बॉक्स मुझे बड़ा दिख रहा है पहले के मुकाबले में ठीक है। और ये आपस में दूर दूर हुए हैं इसमें कुछ कुछ मार्जिन भी अप्लाई हुआ है अदरवाइज़ वो टेक्स्ट बॉक्स बिल्कुल चपके हुए आते हैं ठीक है। अच्छा सबमिट का जो बटन है उसको भी स्टाइल किया जा सकता है ये इन्होंने कुछ CSS अप्लाई की है इसके ऊपर और उसका रिजल्ट मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है ठीक है। इसमें क्या किया हुआ है जी बॉर्डर रेडियस इसमें भी थोड़ा सा लगाया हुआ है इन्होंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया हुआ है इसके अंदर भी ठीक है। और बैकग्राउंड कलर में प्लेन कलर नहीं लगाया बल्कि इन्होंने ग्रेडियंट कलर लगाया है ठीक है। ग्रेडियंट आई एम नॉट श्योर कि इससे पहले यहाँ पे कवर हुआ है या नहीं हुआ लेकिन हम बैकग्राउंड कलर में ना ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं। एक तो जी है ना कि जी बैकग्राउंड कलर और सीधा सीधा मैंने दे दिया रेड तो वो सॉलिड रेड हो जाता है। एक होता है ग्रेडियंट ग्रेडियंट मैं ज़रा अलग से आपको अगर दिखा दूँ सर इसमें थोड़ा सा मिक्स टाइप का कलर होता है वही ना। हाँ ग्रेडियंट बैकग्राउंड अगर मैं दिखाऊँ ना आपको तो इस तरह का जो बैकग्राउंड कलर होता है उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं ठीक है। CSS के अंदर ये इस तरह का ग्रेडियंट लगाने की फैसिलिटी मौजूद होती है बिल्टन ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर इस ग्रेडियंट की मैं बात करूँ तो ये ग्रेडियंट शुरू हुआ हुआ है यहाँ से और ये गया हुआ है यहाँ तक और इसमें तीन कलर हैं पहले पे एक कलर है और दूसरे में फिर दूसरा कलर है और तीसरे में फिर तीसरा कलर है ठीक है। तो JavaScript CSS के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं इस तरह से ग्रेडियंट लगा सकते हैं। आप देखें यहाँ पर इन्होंने क्या किया बैकग्राउंड वेबकिट ग्रेडियंट लीनियर अप्रोच है यानी कि सीधी लकीर खींचेगी टॉप लेफ्ट से शुरू होगा और बॉटम लेफ्ट तक ये जाएगा ठीक है। और यानी जहाँ से शुरू होगा वहाँ पे जो कलर होगा वो ये होगा और जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पे जो कलर होगा वो ये होगा और इसके दरमियान में जो जो कलर वो बनते हैं वो सारे आ जाएंगे। तो आप नोट करेंगे यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा ग्रेडियंट है ये बिल्कुल सॉलिड कलर नहीं है ठीक है। अगर CSS में ग्रेडियंट लगाना हो हमें तो CSS ग्रेडियंट अलग से हम यहाँ पर सर्च मारेंगे ना जब W3 स्कूल का भी ये डॉक्यूमेंट आ गया है CSS ग्रेडियंट का देखें इस तरह का ग्रेडियंट कलर हम इसमें बना सकते हैं ठीक है। इसमें लीनियर अप्रोच है एक रेडियल अप्रोच है और कॉनिक अप्रोच है ठीक है। ये लीनियर है टॉप टू बॉटम है ये सही है उसके अलावा ये क्या है ये भी लीनियर है लेकिन लेफ़्ट टू राइट है। उसके बाद ये हमारे पास क्या है डायगोनल है ठीक है ये भी लीनियर है लेकिन ये डायगोनल है सही है।
अब ये लीनियर से आगे बढ़ नहीं रहा अभी तक, ठीक है ये भी लीनियर है, ये सारे लीनियर चल रहे हैं, स्टाइल दिखा रहे हैं सही, ये भी लीनियर है, लीनियर में इन्होंने चार पांच कलर दे दिए अब, ठीक है ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, मेरा ख्याल है। अच्छा ये रेडियल अलग है ना, पूरा डॉक्यूमेंट ही अलग है, ठीक है ये रेडियल है गोल, ठीक है ये भी रेडियल है, ये सारा रेडियल आ गया हमारे पास, ठीक है जी। उसके अलावा मेरे पास कॉनिक है, कोन के शेप में, यानी वो शुरू टॉप से शुरू होगा और पूरी घड़ी घुमा के ना जैसे क्लॉकवाइज पूरा घूम के और वापस वो टॉप तक जाएगा, तो दिस इज़ कॉल्ड कॉनिक। कॉनिक में मैं इस तरह की ना इसको दे सकता हूँ चीज़ें, ये सी एस एस से बना हुआ है, प्योर सी एस एस है ये, यहाँ पे इसका कोड लिखा हुआ है, ठीक है, और ये इसका रिजल्ट है जो मुझे दिखेगा। सर ये कोड कॉपी करके लगा दूँ तो हमारे पास भी बन जाएगा। हाँ एक सर्कल होगा मेरे पास, सर्कल नहीं डिपेंड करता है कि सर्कल की बात नहीं है, वो कोई किसी भी लगाऊंगा ना ये हो जाएगा, जैसे मैंने कहा कि बैकग्राउंड इमेज करके मैंने ये लिखा और कॉनिक ग्रेडियंट चाहिए ना मुझे, तो मेरे पास अभी क्या है मेरे यूआई के ऊपर, मेरे पास ये आइटम है ना इसको दे देता हूँ, ठीक है ये क्या चीज़ है मेरा, ये कार्ड है ना मेरा, तो मैंने कार्ड वाले पर आके बोला कि भाई आपका क्या हो जाए बैकग्राउंड इमेज आपकी लग जाए ये कॉनिक ग्रेडियंट, ठीक है आ जाओ रिफ्रेश किया लग गया ये, ठीक है अब मैं इसका कलर चेंज भी कर सकता हूँ, मैं ये रेड से शुरू किया इसने, मैंने कहा कि यार ज़रा अपना ब्लू से शुरू कर लो, सही है तो ये आप देखो ब्लू से शुरू हो गया, या मैं ऊपर ब्लैक से शुरू कराऊँगा ना तो ब्लैक ये वाला ब्लैक और इधर वाला ब्लैक मिक्स हो जाएगा आपस में, पता नहीं लगेगा कि वो कहाँ है बाउंड्री कहाँ है, ठीक है मैंने कहा ब्लैक, तो देखो बाउंड्री ख़त्म हो गई पूरी इसकी, अब ये पूरा एक लग रहा है, ऐसा लग रहा है स्टील का बना हुआ है, ठीक है तो इस तरह से ग्रेडियंट कलर में किसी भी बॉक्स को दे सकता हूँ, चाहे वो कोई बटन हो चाहे वो कोई डिव हो चाहे वो जो भी कोई चीज़ हो ना, तो यहाँ पे इन्होंने इसको ग्रेडियंट कलर दिया हुआ है। अच्छा ग्रेडियंट कलर के अलावा मेरा ख्याल है कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नई हो, बैकग्राउंड कलर बॉर्डर टॉप बस यही चीज़ें लगी हुई हैं इसके अंदर, टेक्स्ट शेडो लगा हुआ है, ठीक है जैसे हमने बॉक्स शेडो पढ़ा इसी तरह टेक्स्ट शेडो भी है जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं टेक्स्ट वाले में, ठीक है कलर से फोरग्राउंड कलर चेंज होता है। अच्छा जी क्या ख्याल है इसको आगे और पढ़ें या यहीं तक रखें आज, चलें फिर आज इसको हम यहीं तक रखते हैं, और वो जो